श्रीदेवी की जस्सी करने वाली है एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी। 6 साल बाद ऐसे मचाने आ रही है धमाल। साल 2003 में आए मशहूर टीवी शो जस्सी जस्सी कोई नहीं की जस्सी यानी कि मोना सिंह टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से मोना सिंह फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, इसी वजह से उन्होंने टीवी से कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली थी। लेकिन अब मोना जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली है। जाहिर तौर पर इस खबर को सुनने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मोना का शो कैसा होगा और उनका किरदार भी। तो आपको बता दें कि मोना सिंह किसी नए टीवी शो में नजर नहीं आएंगी, बल्कि मोना सब टीवी के शो पुष्पा इम्पॉसिबल में नजर आने वाली है। मोना ने इस सीरियल की शूटिंग भी शुरू कर दी है। वो सीरियल में एक एडवोकेट का किरदार निभाएंगी। ई टाइम्स से बातचीत में मोना सिंह ने अपने किरदार के बारे में बताया कि ये कैमियो रोल है, लेकिन काफी दमदार भी। बकौल मोना, मैं एडवोकेट दामिनी का किरदार निभाने वाली हूँ। ये पहला मौका है जब मैं छोटे पर्दे पर एक वकील का रोल निभाने वाली हूँ। मैं ये किरदार निभाने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। दामिनी अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो पुष्पा से मिलती है तो घर से जुड़े केस में उसकी मदद करती है। कहानी के मुताबिक पुष्पा अनजाने में दामिनी की बेटी की मदद करती है। वहीं दामिनी को जब पुष्पा की परेशानी का पता चलता है तो वो भी उसकी मदद करती है। मोना सिंह आगे कहती है, दामिनी केस के लिए मोटी फीस वसूलती है, लेकिन पुष्पा के मामले में वो फ्री में केस लड़ेगी। वही शो में कैमियो रोल निभाने के बारे में जब मोना से पूछा गया तो मोना कहती है, मेरे पास अभी कैमियो रोल करने का वक्त है। मैं इस शो का हिस्सा बनने से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसकी कहानी में एक मैसेज है। बता दें कि मोना का आखिरी टीवी शो कवच काली शक्तियों से था, जो साल 2016 में टेलीकास्ट हुआ, और अब मोना 6 साल के लंबे वक्त के बाद टीवी के इस पॉपुलर शो में नजर आएंगी। वेल, बात करें इस शो की तो आपको बता दें कि पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक आत्मनिर्भर और एक मजबूत महिला की है। पुष्पा चौल में रहती है और अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई छोटी मोटी नौकरी करती है। हालांकि अब देखना तो ये है कि मोना सिंह की एंट्री से शो को किस हद तक फायदा होता है। आप मोना के इस कमबैक पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।